आपने इस शहर को देखा होगा, लेकिन ये नहीं जान पाए होंगे कि इस शहर की उम्र क्या है। दुनिया भर में वैज्ञानिकों के शोध और शास्त्रों ने मान लिया है कि यह शहर दुनिया का सबसे पुराना शहर है, जिसे अब वाराणसी कहा जाता है। वाराणसी में 80 नदियों का संगम प्लस अरुणा नदी का संगम होता है, इसके लिए इसका नाम वाराणसी है। यह गंगा यहाँ प्रवाहित होती है और इसकी प्राचीनता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है, इसके कारण इसको प्राचीन नगर माना गया है। वाराणसी या काशी, ये वो नाम है जिसे सनातन संस्कारों में शामिल किया गया। इसकी वजह रही यहाँ धर्म और ज्ञान का होना। अपने बनारस में गंगा है, गंगा एक तीर्थ है और वो तीर्थ वही है जो कि हमें दुखों से तार दे। शास्त्रों में कहा कि जल से शरीर शुद्ध होता है और सत्य से मन शुद्ध होता है और आत्मा जो है बुद्धि से शुद्ध होती है। और मैं एक सौभाग्य समझता हूँ कि उसका प्रारूप 80 घाट वाराणसी, जहाँ से अनेकों आचार्याएं निकल करके समाज में आज भी कार्य कर रही हैं, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार, वेदों का प्रचार प्रसार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, पंडित हरि प्रसाद की बांसुरी और कबीर की वाणी ने पानी के पतवार के साथ नई इबारत लिखी। गोस्वामी तुलसीदास ने काशी के इन्हीं घाटों पर रामचरितमानस की रचना की। 80 घाटों के किनारे चाहे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा हो, तो उनका जहाँ पर रामचरितमानस बजता है, वहीं पर अपने विश्व प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई और उनकी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी, तो कोई वहाँ गंगा जमुनी संस्कृति है। इस शहर में महादेव समाधि में प्रस्थान हुए। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस एक शहर ही नहीं है, ये हमारा इतिहास है। अगर इस शहर के इतिहास की बात करें तो किंवदंतियों और पुरातन परंपराओं को एक सूत्र में करने के बाद भी वाराणसी उस योग से प्राचीन है, या यूं कह दें यह शहर प्राचीन परंपराओं का अनूठा संग्रह है। प्रातरग्निम् प्रातरिन्द्रम् हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना। बनारस की शुभा ईश्वर की आराधना से जोड़ती है। यहाँ ब्रह्मचारिणियों की आवाज में ऋग्वेद की ऋचाएं सुनाई देती है। तो प्राचीन काल में भी हम अनेक महिलाओं के, ऐसी विदुषी महिलाओं के नाम देखते हैं जिसमें अपाला, लोपामुद्रा, घोषा और एक ऐसी बहुत कम आयु में गार्गी नाम की जो कन्या रही, जिन्होंने शास्त्रार्थ में अनेक विद्वानों को परास्त किया। आज से 45 वर्ष पहले इसी वाराणसी में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की और वहाँ की बालिकाएं जो वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रही है, वो बालिकाएं यहाँ पर सुबह 4:30 बजे वेद पाठ करती है। यहाँ जीवन को धर्म और कर्म से जोड़ने की सीख मिलती है। यहाँ जीवन और मृत्यु के सच को देखने का मौका मिलता है। तभी तो ये वाराणसी है। रिपोर्ट NBN।